मेरा छोरा है वो नालेगा। oh, no. अरे सब बोलेंगे तो नालेगा मेरा छोरा है यार, नालेगा तू कुछ तो रहम कर यार। hey, माई, इतना तो कोरोना नहीं फैला जितना इसकी गंद के मारे लोग मर रहे हैं यार। oh, no. अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप समझाती हो या फिर मैं समझाऊँ? गाँव वाले इसे समझ ही देंगे अच्छे से। hey, बहुत ठंडा मैं नहाऊंगा निस्सा। कहां से आते हैं? तो हेलो गाइस, कुछ इसी प्रकार की एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो एडिटिंग कैसी लगी। सपोज पुष्पा ट्रेंड चल रहा है आजकल, आप पुष्पा पर वीडियो बनाकर दिन में ही या फिर रात में ही वायरल हो सकते हो। यदि मेरी बात अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना। सो गाइस, विदाउट एनी डिलीज़न बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सो आपको आना है मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस, काइन मास्टर को ओपन करना है और आपको आना है यहाँ पर 16:9 का रेशियो लेना है जो कि यूट्यूब का मैक्सिमम साइज होता है। यहाँ पर आपको पुष्पा मूवी का सीन लाना है। सिंपल सा मैंने मीडिया से पुष्पा मूवी का सीन को लिया है। अब सिंपल सा जहाँ पर भी मुझे डबिंग करनी है यानी कि मुझे जहाँ पर भी अपने शब्द डालने हैं वहाँ से हम वीडियो को रख लेंगे और जो भी फालतू पार्ट है, जो पार्ट में हम डबिंग नहीं करेंगे उस पार्ट को कट कर देते हैं। अब कट होने के बाद में अब यहाँ हम सिंपल सा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और एडजस्ट कर लेते हैं। तो मेरे भाई, अब यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है तो वॉइस रिकॉर्ड में कुछ भी गड़बड़ मत करना, बिकॉज वॉइस से ही आपकी वीडियो प्रोफेशनल लगने वाली है। सो गाइज, अब आपको जाना है सॉन्ग में। अब यहाँ पर आपको फनी साउंड से लाने, फनी साउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टैप करना, वीडियो पर जाओगे और वहाँ से आपको बहुत सारे फनी साउंड्स मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर फनी साउंड्स को ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा ट्रिम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसे ही फनी साउंड्स का यूज करना है। सो गाइज, अब आपको लड़की की वॉइस को कैसे ऐड करना है, सिंपल सा जैसे माँ की आवाज़ में, तो सिंपल सा आपको बताते हैं। यहाँ पर ऑटो वॉल्यूम को ऑन करना है और मिनिमम एक बढ़ाना है, एक या दो चाहे जितना बढ़ा दो, और स्टूडियो पे आना है, इक्वलाइजर को टेबल बूस्टर कर देना है और यहाँ पर वॉइस चेंजर दिख रहा होगा, वॉइस चेंजर पर जाना और लास्ट में वुमेन का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक कर देना है और आप सुनोगे तो परफेक्ट एकदम जो कि माँ की आवाज़ होती है तो कुछ इस प्रकार से लगेगी। सो गाइज, अब बढ़ते हैं थर्ड टिप्स की ओर, जो कि थर्ड एडिटिंग होने वाली, ऑटो वॉल्यूम पर जाना है और इसको मिनिमम एक कर देना है और अब यहाँ पर जाना है इक्वलाइजर में, ट्रिबल बूस्टर को ऑन हमेशा करा करो और रिव्यू पे जाना है और स्टूडियो को ऑन कर देना है और वॉइस चेंजर पर जाओ और वुमेन कर देना है। ये पुष्पा की माँ की वॉइस एडिटिंग है। आप सिंपल सा हम एक और लेयर सिलेक्ट कर लेते हैं, एक और मीडिया को ले आते हैं और सिंपल सा हम यहाँ पर पुष्पा के इस सीन को ले आते हैं और यहाँ पर हम एक और वॉइस ऐड करने वाले हैं जो कि होने वाला है बहुत ठंडा मैं नहाएगा नहीं, तो वाला वॉइस एडिटिंग करना है। तो सिंपल सा ऑटो वॉल्यूम का हमेशा ऑन करा करो जिससे आपकी वॉइस थोड़ी जो बैकग्राउंड शोर होगा वो कम हो जाएगा और सिंपल सा यहाँ पर स्टूडियो पे जाना है और यहाँ पर बस इसी प्रकार से ये वीडियो बनकर तैयार हो जाती है। बस आपको लास्ट में कुछ मीम्स ऐड कर देने हैं जिससे वीडियो बहुत ही अच्छी दिखे, प्रोफेशनल दिखे, और समय समय पर आपको कुछ छोटे छोटे से मीम्स भी ऐड करना है जिससे वीडियो लगे कि हाँ भाई आपने एडिट की है। वीडियो चाहे एक मिनट की बनाओ चाहे दो मिनट की बनाओ, बट वीडियो ऐसी बनाओ कि सामने वाला देखकर ही क्लिक कर दे और आपके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाए। तो प्लीज़ यार, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।